साथ उत्तर प्रदेश की सीमा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी घुस आए हैं, जिसको लेकर रेंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इन आतंकियों के होने के चलते रेंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक दक्षिण भारत से जुड़े दो आतंकवादी उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं और ये इंडो नेपाल भारत के जिले की सीमा से नेपाल भागने की फिराक में हैं। इनकी तलाश में बस्ती रेंज समेत पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आखिरी दफा दोनों आतंकवादियों को सिलीगुड़ी में देखा गया था, जिसके बाद यह अलर्ट जारी हुआ है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दक्षिण भारत में सक्रिय रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन को सितंबर 2017 में एनआईए ने चेन्नई से पकड़ा था। जांच में पता चला था कि सीरिया से लौटने के बाद वो दक्षिण भारत समेत देश के कई राज्यों में युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस से जोड़ने का काम करता था। तो बस्ती रेंज में यह अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी घुस आए हैं और इस खबर के मिलने के बाद बस्ती रेंज में यह अलर्ट जारी किया गया है। तो बस्ती गोरखपुर समेत नेपाल बॉर्डर पर यह हाई अलर्ट। तो आतंकियों के यूपी में प्रवेश की सूचना के बाद अलर्ट जारी किया गया है। तो बस्ती गोरखपुर समेत नेपाल बॉर्डर पर यह अलर्ट। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, उत्तर प्रदेश की सीमा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी होने की खबर, जिसके बाद बस्ती समेत गोरखपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, खुफिया एजेंसियों के माध्यम से जो सूचना मिली है उसमें आईएसआईएस के दो एजेंटों के उत्तर प्रदेश में घुसे होने की सूचना है, जिसको लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उस पर खुली हुई सीमा है और काफी कई किलोमीटर में फैला हुआ है, जंगल है, नदियां हैं। तो इस तरीके से जो इनपुट मिला है आईएसआईएस का, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी कि आखिर वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं और कहाँ पर वो शेल्टर लिए हुए हैं। लेकिन जो खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है उत्तर प्रदेश शासन को, उससे अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि आखिरी दफा दोनों आतंकवादियों को सिलीगुड़ी में देखा गया था। नरेंद्र, तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हाई अलर्ट तो यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन लखनऊ की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से लोगों के बीच में जानकारी दी जा रही है दोनों आतंकियों को लेकर? देखिए, अलर्ट जारी करने के बाद जहाँ पे लोकेशन मिलती है उसको सर्विलांस किया जाता है और खुफिया एजेंसियों के में प्रदेश पुलिस भी रहेगी और जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे निगरानी बढ़ाई जाएगी, सघन चेकिंग की जाएगी और दूसरे जो शहरों के होटल हैं और जहाँ पे उनकी लोकेशन मिलेगी उनको खंगाला जाएगा। इस तरीके से प्रदेश की भी खुफिया एजेंसियाँ अब अलर्ट होंगी और तमाम टीमें लगाई जाएंगी उनको गिरफ्तार करने के लिए और सर्विलांस का भी सहारा लिया जाएगा लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। तो अलर्ट जारी करने का मतलब हुआ कि जो एजेंसियाँ हैं उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस विभाग की, वो भी अलर्ट होगी, नाकेबंदी करेंगी और तमाम उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे जिससे आईएसआई के दो जो एजेंटों की सूचना मिली है उनको गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल, और इसमें नरेंद्र जो दो आतंकियों की बात हो रही है उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन को कहीं ना कहीं एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है। ब्रेन वॉश जो है वो युवाओं का कर यहाँ पर आईएसआई संगठन से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर रही है नरेंद्र, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ कहना है लखनऊ प्रशासन का और लोगों के बीच किस तरह से जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है ताकि जो जी
बिल्कुल, पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे प्रदर्शन के दौरान, उस समय भी सूत्रों के हवाले से सूचना आई थी और खुफिया एजेंसियों ने भी कुछ सूचना दिया था कि इसमें, इस दंगे में भी आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन काफी चौकन्ना था और इसी के मद्देनजर जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं उनके संपर्क में प्रदेश सरकार भी थी और यहाँ की पुलिस भी थी। इसी का नतीजा है कि ये खुलासा हो सका है कि आईएसआईएस के दो एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किए हैं, नेपाल से आए हैं, नेपाल के बॉर्डर से आए हैं। तो इसी के मद्देनजर नेपाल बॉर्डर पर जो कई जिलों से होकर गुजरता है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, तमाम जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पे अलर्ट जारी किया गया। वहां पे पुलिस काफी सघन चेकिंग करेगी और तमाम होटलों को भी चेक करेगी। तो आईएसआईएस के मौजूदगी की सूचना पहले से भी उत्तर प्रदेश में रही है। इसको लेकर अब पुलिस क्या करती है और कैसे गिरफ्तारी करती है, कैसे खुफिया एजेंसियों से तालमेल बिठा के इनको पकड़ा जाता है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी बनाए रखने के लिए। और इसी बीच आईजी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनवाते हैं। बेसिकली देखिए, ये गोपनीय टाइप की इन्फॉर्मेशन है, इसमें इस तरह के अलर्ट्स हम लोग को रूटीनली आते रहते हैं, जिसमें कि मुख्यालय से हम लोगों को फोटो भेजी गई दो लोगों की, और ये कैसे मीडिया में आ गई ये एक दूसरा प्रश्न है। परंतु ये बात सही है कि वो दो वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था, ये कहीं देखते हैं तो इनको अप्रिहेंड कर लिया जाए।